जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सर्वेश कुमरावत, एस्ट्रोलॉजर और टेरो कार्ड रीडर, और एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में, मेष राशि या मेष लग्न से लेकर के मीन राशि या मीन लग्न तक का। ये 19 से 25 सितंबर 2022 का जो सप्ताह रहेगा, ये सप्ताह कैसा रहेगा अलग अलग पूरी 12 राशियां 12 लग्नों के लिए, उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और साथ में जो बेल आइकॉन आपको दिखेगा सब्सक्राइब के पास में, उसको टैप कर दीजिए। उसको टैप करेंगे तो तीन ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, ऑल नोटिफिकेशंस पे आप सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको आपके पास आ जाएगी। आगे हमारे दिवाली के बारे में भी वीडियो आने वाले हैं, नवरात्रि के जो वीडियो हैं वो भी आने वाले हैं, और कुछ वीडियो आ चुके हैं। और इसके अलावा 2023 का राशिफल भी हम नवरात्रि से अपलोड करेंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम राशि परिवर्तन की बात करते हैं कि किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है इस सप्ताह में। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये राशिफल आप कैसे कंसिडर करेंगे, इसको कैसे देखिए। ये राशिफल जो है लग्न आधारित है, जो भी आपका लग्न है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, जो भी आपका लग्न है। लेकिन अब कुछ लोग हैं जिनको लग्न नहीं पता है, तो फिर वे लोग इस राशिफल को कैसे कंसिडर करें। जो भी आपकी राशि है, जो सामाजिक नाम आपका है और जो राशि आती है उससे, तो उस नाम से जो राशि बनती है उस राशि के हिसाब से फिर आप इसको कंसिडर कीजिएगा। राशि के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक्यूरेसी थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन लग्न के हिसाब से एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। तो चलिए बात करते हैं राशि परिवर्तन, किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है इस सप्ताह में। देखिए इस सप्ताह में सबसे पहले शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। सप्ताह के आखिरी में 24 सितंबर को शुक्र अभी सिंह राशि में है और अब कन्या राशि में जाएंगे 24 सितंबर को। इसके अलावा चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो चंद्रमा इस सप्ताह शुरुआत करेंगे मिथुन राशि से, और फिर उसके बाद 19 तारीख को मिथुन राशि में रहेंगे, फिर उसके बाद 20 तारीख को कर्क राशि में जाएंगे, 22 तारीख को कर्क से सिंह राशि में जाएंगे, और फिर 25 सितंबर को सिंह से कन्या में जाएंगे। सप्ताह के सबसे आखिरी दिन में रात को 12:07 पर ये राशि परिवर्तन करेंगे। तो चलिए एक एक करके बात करें हम सारे लग्नों की, मेष लग्न या मेष राशि से लेकर के मीन लग्न या मीन राशि। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लग्न की। देखिए लग्न कैसे पता करते हैं, आप आपकी जन्म कुंडली ओपन कीजिए, उसमें आप पहला भाव देखिए, पहला बॉक्स देखिए कुंडली में, वहां पर लग्न या ल लिखा होता है, और अगर उसके साथ में एक नंबर लिखा है तो आपका लग्न हुआ मेष। अब देखिए मेष लग्न है तो आपके लग्न कुंडली के अनुसार चंद्रमा का गोचर होगा आपके तीसरे भाव से छठे भाव तक। तो अब पहले हम देखते हैं नेगेटिव पॉइंट, मेष राशि या मेष लग्न। नेगेटिव में सबसे पहला पॉइंट ये कि सप्ताह का शुरुआत तो आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन सप्ताह के आखिरी में, आखिरी 2 दिनों में आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा अगर हम देखें तो स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ी सी समस्या आपको इस सप्ताह में आ सकती है, खास करके गुरुवार के बाद। ठंडे पानी से या ठंडी जगहों से, ठंडे खाने की चीज़ों से बच कर रहें, पानी से बच कर रहें। इसके अलावा कमर से नीचे के भाग में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, चोट लग सकती है, कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, और माता के स्वास्थ्य में अगर परेशानी पहले से चल रही है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाने का ये वक्त है आपके लिए, और अगर कुछ सीरियस है ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाइएगा। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो परिवार का सहयोग आपको मिलेगा, सारे परिवार जो भी आप चाहेंगे परिवार वालों से वो सपोर्ट आपको पूरा करेंगे, कार्य क्षेत्र में आपके उन्नति के योग बने हुए हैं। जब तक कि शनि वक्री और आपके 10वें हाउस में है, 10th हाउस में, यानी कि 10वें भाव में है, तब तक कार्य क्षेत्र में आपको काफ़ी तरक्की मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, और अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो उसके भी योग आपके लिए अच्छे बने हुए हैं, लेकिन नौकरी तब तक मत छोड़िएगा जब तक कि दूसरा ऑफर आपके हाथ में नहीं हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ लग्न या वृषभ राशि की। कैसे पता करेंगे आपका लग्न वृषभ है?
आप जन्म कुंडली ओपन कीजिए, जन्म कुंडली में आप पहला भाव देखिए, वहां पर लग्न या ल लिखा होगा, और अगर उसके साथ दो नंबर लिखा है तो आपका लग्न हुआ वृषभ। वृषभ लग्न की कुंडली के अनुसार चंद्रमा का गोचर दूसरे भाव से पांचवें भाव तक होगा। पहले हम नेगेटिव देख लेते हैं। विद्यार्थियों को इस सप्ताह पढ़ाई में परेशानी आएगी, कुछ ना कुछ रुकावटें जरूर आएगी पढ़ाई में। अगर आप लव अफेयर में हैं, प्रेम प्रसंग आपका चल रहा है, तो वहाँ पर पार्टनर के साथ लड़ाई होने के योग इस सप्ताह में बन रहे हैं। बहुत केयरफुल रहिएगा, बातों को अवॉइड कीजिएगा उनकी। पेट संबंधी समस्या आपको कुछ हो सकती है, जैसे कि कुछ फास्ट फूड खा लिया तो डाइजेशन या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ठंडे पानी से या ठंडी जगहों से आपको भी बचकर रहना है, जैसे मैंने मेष लग्न में या मेष राशि में बताया। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो भाग्य का साथ आपको इस पूरे सप्ताह में मिलता दिखेगा। शनि आपके गोचर में है और गोचर में भाग्यश में मतलब भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं एट प्रेजेंट। इसके अलावा पिता से आपको लाभ मिलेगा। पिता से अगर कोई मतभेद चल रहे हैं तो ये अच्छा समय है सुलझाने का। धन लाभ आपको इस सप्ताह में होगा, और खर्च बहुत सोच समझ कर कीजिए। देखिए, आप खर्च करेंगे जरूर, ये तो होगा, लेकिन बहुत सोच समझ कर कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन लग्न या मिथुन राशि की। कैसे पता करेंगे आपका लग्न मिथुन है? आप आपकी जन्म कुंडली ओपन कीजिए, उसमें पहला भाव देखिए, वहाँ पर लग्न या ल लिखा होगा, और उसके साथ में अगर तीन नंबर लिखा है तो आपका लग्न हुआ मिथुन। मिथुन लग्न में चंद्रमा का गोचर आपकी ही राशि से पहले भाव से चौथे भाव तक होगा। अब पहले हम नेगेटिव की बात करें तो स्त्रियों से सावधान रहिए। जैसे अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो आपको अपोजिट जेंडर वालों से थोड़ा सा सावधान रहना है। कुछ ना कुछ परेशानी उनकी तरफ से आपको आ सकती है। सप्ताह के अंत में ये परेशानी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, और भी अलग अलग तरह की परेशानियाँ आ सकती हैं आपको। दोस्तों से थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, दोस्तों की बातों में मत आ जाइएगा बहुत जल्दी से, और किसी लीगल मैटर में मत फंसिएगा आप इस सप्ताह। अगर ऐसी स्थिति बनती भी है तो उसको आप वहाँ से हट जाइए, उस स्थिति को अवॉइड कीजिए आप। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी में निवेश के योग आपके अच्छे बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, पर आपको मेहनत अधिक करना पड़ेगी। मेहनत अधिक करेंगे तो सफलता आपको ज़्यादा मिलेगी। नई नौकरी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो इस सप्ताह आपको मिल सकती है, और विवाह के लिए जिनका जो प्रपोजल आए हैं या जिनकी विवाह की बात चल रही है, शादी की, तो इस सप्ताह में वो फिक्स हो सकता है, बात जम सकती है। आगे बढ़ते हैं, हम कर्क लग्न या कर्क राशि की बात करते हैं। कैसे पता करेंगे आपका लग्न कर्क है? आप आपकी जन्म कुंडली ओपन कीजिए, उसमें पहला भाव आप देखिए, वहां पर लग्न या ल लिखा है। अगर वहां पर लग्न या ल के साथ में चार नंबर लिखा है तो आपका लग्न हुआ कर्क। कर्क लग्न या कर्क राशि, चंद्रमा का गोचर हो रहा है आपके 12वें भाव से, द्वादश भाव से तीसरे भाव तक। सबसे पहले हम नेगेटिव की बात करें तो मेहनत में आप कमी मत आने दीजिएगा। आपके कुछ ऐसे स्थिति बन सकती है कि अगर आप उसको सोचे कि कोई काम आया, और अगर आप उसको सोचे कि मैं इसको कल कर दूंगा, तो फिर वो डिले हो सकता है। मेहनत में मत आप कंजूसी कीजिएगा। नौकरी में थोड़ी सी अनिश्चितता की स्थिति आपकी बनी रहेगी इस पूरे सप्ताह में। सप्ताह का अंत आपके लिए अच्छा नहीं है। मेहनत आपको बहुत 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 ज़्यादा करनी पड़ेगी, कर्क लग्न हो या कर्क राशि हो। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो खर्च में थोड़ी सी आपके कमी आएगी। कुछ दिनों से शायद आपका खर्च बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, तो उसमें हल्की सी कमी आएगी। आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंट रहेंगे, और स्त्री पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। ये पहली और एकमात्र ऐसी राशि है या लग्न है इस सप्ताह में जिसको अपोजिट जेंडर वालों से लाभ होगा। प्रेम प्रसंग आपके बनेंगे, लेकिन सिर्फ आपको एक चीज़ से सावधान रहना है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचकर रहें। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा इस सप्ताह में। आगे बढ़ते हैं, हम सिंह लग्न या सिंह राशि की बात करते हैं। कैसे पता करेंगे आपका लग्न सिंह है? आप आपकी जन्म कुंडली ओपन कीजिए, उसमें लग्न या ल लिखा होगा, वो पहला भाव है। अगर वहां पर पांच नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपका लग्न हुआ सिंह। सिंह लग्न है, सिंह राशि की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव पॉइंट। सप्ताह के अंत में खर्च आपका अधिक होगा और परिवार में कलह की स्थिति बनेगी। कुछ ऐसा आप बोल जाएंगे जिससे परिवार के किसी मेंबर को आपकी बात चुभ सकती है। अपनी वाणी पर भी आपको संयम रखना है इस सप्ताह में। पढ़ाई में कुछ ना कुछ रुकावटें आपको आती रहेंगी, शायद वो दोस्तों के कारण हो
या फिर आपके खुद कुछ काम आ जाए पर्सनल, तो उसके कारण हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहली प्रायोरिटी आप पढ़ाई को दीजिएगा। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो मेहनत से धन लाभ आपका होगा, यानी कि कार्य क्षेत्र में अगर आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको धन लाभ होगा, तो मेहनत में कमी मत आने दीजिए। बचत पर आप फोकस करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको कुछ ना कुछ धन की जरूरत पड़ेगी, तो आप जितना बचत कर सकते हैं उतना करें। कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है इस सप्ताह में, और कुछ ऐसे काम जो गूढ़ रहस्यमयी है या कुछ एक्साइटिंग थ्रिलर वाले जो काम होते हैं, कुछ चीज़ें होती है, तो उसमें आपका रुझान, उसमें आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है इस सप्ताह में। कन्या लग्न या कन्या राशि की अब हम बात करते हैं, तो कैसे पता करेंगे आपका लग्न कन्या है? सबसे पहले आप आपकी जन्म कुंडली ओपन कीजिए, वहाँ पर लग्न या ल लिखा होगा पहले भाव में, वो पहला भाव है। अगर वहाँ पर 6 नंबर लिखा है तो आपका लग्न हुआ कन्या। कन्या लग्न या कन्या राशि, नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, वाणी सोच समझ कर बोले, वाणी पर आपका संयम होना चाहिए, ये इस सप्ताह में आपके बहुत काम आएगा। कुछ ऐसा मत बोल जाइएगा कि फिर पूरे सप्ताह आपको परेशान होना पड़े उस वजह से। दूसरा, अगर हम देखें तो खर्च आपका बढ़ जाएगा। वैसे भी आपका लग्नेश है तो आपकी ही राशि में, लेकिन अभी अस्त है तो थोड़ा सा संभल कर चाहिए। यात्राएं आपकी होगी इस सप्ताह में, और वाहन आप धीरे चलाएं, स्पीड में ना चलाएं, अन्यथा कोई चोट या दुर्घटना हो सकती है आपके साथ में। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो निर्णय, जब भी आप कोई डिसीजन मेकिंग वाला सिचुएशन इस सप्ताह में आए, तो थोड़ा सा सोच समझ कर किसी जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे आप बात करके कोई निर्णय ले तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होगा इस सप्ताह में, कोई रुका हुआ पैसा आने वाला है, जैसे कोई बोनस मिलने वाला हो, किसी को पैसा उधार दिया है तो वो आने वाला हो। बिजनेस है तो अगर कोई डील क्लोज हुई है पहले, उसका पैसा अब आपके पास आ जाएगा। शादी और विवाह, जो कन्या राशि कन्या लग्न के लोग हैं, जातक हैं, जो शादी या विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो इस सप्ताह उनके लिए कोई अच्छी खबर मिल सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम तुला लग्न है तुला राशि की बात करें, तो कैसे पता करेंगे आपका लग्न तुला है? आप आपकी जन्म कुंडली ओपन कीजिए, उसमें सबसे पहला भाव वहाँ पर लग्न या ल लिखा होगा, तो वहाँ पर अगर 7 नंबर लिखा है तो आपका लग्न हुआ तुला। तुला लग्न में सबसे पहले हम नेगेटिव पॉइंट्स देखें। नेगेटिव में सबसे पहला पॉइंट ये है कि कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्रा आपको करनी पड़ेगी इस सप्ताह में। नौकरी और बिजनेस में आपको खर्च करना पड़ेगा, जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर बिजनेस में आपके ऑफिस में कोई नई मशीन, कोई नई चीज़ आप ला सकते हैं जो आपके बिजनेस में उपयोग होता हो जिसका, तो उसके लिए आपका खर्च हो सकता है। पैसा आएगा पर थोड़ा सा लेट आएगा, डिले आएगा, तो आपने अगर कोई प्लान बनाया है कि ये अमाउंट आने वाला है और ये इससे मैं ये चीज़ लेके आऊँ या ये यहाँ पर लगा दूँ, तो वो आपका थोड़ा सा प्लान गड़बड़ हो सकता है। लंबी यात्रा आपकी हो सकती है सप्ताह में, भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा, उल्टा खर्च आपका ज़्यादा होगा। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो लग्नेश आपके नीच के हो जाएंगे। देखिए, इस सप्ताह में 24 सितंबर को एक वृषभ लग्न और एक तुला लग्न है, वृषभ राशि है तुला राशि, तो आपका जो लग्नेश है अब वो नीच के होने वाले हैं। तो अभी हालांकि नीच भंग अभी होगा नहीं, और सप्ताह के अंत में ये कन्या राशि में जाएंगे, तो इसका जो असर होगा वो आपको अगले हफ्ते बहुत ज़्यादा दिखेगा। प्रॉपर्टी से लाभ आपको हो सकता है, माता पिता से भी आपको लाभ हो सकता है सप्ताह में। विचारों पर आपको नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके मन में कई सारे विचार एक साथ आ जाते हैं, शाम को कुछ, सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, रात को कुछ, तो थोड़ा सा आप इससे बचकर रहिए। जो काम के हैं उन पर आप फोकस कीजिए, जो नहीं है उनको अवॉइड कीजिए। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि की अब हम बात करते हैं, कैसे पता करेंगे आपका लग्न वृश्चिक है? आपका आपकी जन्म कुंडली ओपन कीजिए और वहाँ पर आपको लग्न या ल लिखा होगा और 8 नंबर आपको वहाँ दिखेगा। अगर वहाँ पर 8 नंबर लिखा है तो आपका लग्न हुआ वृश्चिक। देखिए, वृश्चिक लग्न के अनुसार चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके 8वें भाव से 11वें भाव तक होगा, एकादश भाव तक। नेगेटिव की अगर हम बात करें तो डाइजेशन की समस्या आपको इस सप्ताह में हो सकती है, थोड़ा सा जब आप खाने पर थोड़ा संयम रखें। पेट संबंधी समस्या, लीवर या किडनी से संबंधित समस्या भी इस सप्ताह में आपको हो सकती है, बहुत ध्यान रखिए। मेहनत आपको अधिक करना पड़ेगी सप्ताह में, सप्ताह का की जो शुरुआत है वो आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी, बाद में फिर जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ता जाएगा स्थिति आपके लिए थोड़ी बेहतर होती जाएंगी।
पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो कोई भी नया काम अगर आप शुरू करने का सोच रहे हैं तो उसको आप कर लीजिए। नौकरी में बाधा के बाद सफलता मिलेगी, अड़चनें आएंगी लेकिन सफलता जरूर मिलेगी आखिरी में। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, पढ़ाई में जो विद्यार्थी वर्ग हैं तो उनको पढ़ाई में इस सप्ताह सफलता मिलेगी, कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई एग्जाम है तो वो आपका क्लियर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम धनु लग्न या धनु राशि की बात करें तो कैसे पता करेंगे आपका लग्न धनु है। आप आपकी जन्म कुंडली ओपन कीजिए, वहाँ पर पहले भाव में लग्न या ल लिखा होगा और वहीं पर 9 नंबर लिखा होगा। तो अगर 9 नंबर लिखा है तो आपका लग्न हुआ धनु। धनु लग्न या धनु राशि वाले आपके जो राशि के अनुसार चंद्रमा का गोचर है वो आपके 7वें भाव से 10वें भाव तक हो रहा है। नेगेटिव की सबसे पहले हम बात करें तो बीपी अगर आपको है तो उसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कानूनी लड़ाई कानूनी पचड़े में मत फंसिएगा आप। किसी भी प्रकार के लोन आपको इस सप्ताह में नहीं लेना है। हाँ, कोई भी कर्ज आप लेते हैं तो फिर आपको चुकाना वो शायद भारी पड़े, इसलिए इस सप्ताह थोड़ा अवॉइड कीजिए। पढ़ाई में आपका फोकस नहीं है, पढ़ाई में आप फोकस रहिए। देखिए जो विद्यार्थी वर्ग हैं, अगर आपका पढ़ाई में कुछ समय से मन नहीं लग रहा है तो साथ में आप जहाँ भी बेडरूम है आपका या पढ़ाई करने बैठते हैं तो गोमूत्र अर्क 200 ml आप साथ में रखिएगा। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो सुख में आपके वृद्धि होगी और भाग्य का साथ कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। तीर्थ यात्रा आपकी होगी, लंबी यात्राएं भी हो सकती है और माता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी चल रही थी तो उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा और माता से आपको लाभ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम मकर लग्न या मकर राशि की बात करें तो कैसे पता करेंगे आपका लग्न मकर है। आपकी जन्म कुंडली ओपन कीजिए, उसमें पहला भाव देखिए, अगर वहाँ पर लग्न या ल के साथ में 10 नंबर लिखा है तो आपका लग्न हुआ मकर। मकर लग्न की जो लग्न कुंडली है उसके अनुसार चंद्रमा का जो गोचर है वो 6ठे भाव से 9वें भाव तक होगा, आपके भाग्य के भाव तक। नेगेटिव की अगर हम बात करें तो सप्ताह के मध्य में जीवन साथी से को कष्ट हो सकता है या फिर उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है स्वास्थ्य से संबंधित। दैनिक आय से अगर आप जुड़े हैं, दैनिक आय वाले रोजगार से, तो उसमें आपको थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। पति या पत्नी से विवाद भी हो सकता है आपका और कोई भी गलत निर्णय लेने से इस सप्ताह में आपको बचना है। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो मेहनत करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तीर्थ यात्राएं आपकी हो सकती है, लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। जो फॉरेन जाने के जो लोग कोशिश कर रहे हैं तो उनके इस सप्ताह जाने के योग बन सकते हैं। पढ़ाई में आपको सफलता मिलेगी जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए और भाग्य का साथ आपको इस सप्ताह में मिलेगा। कुंभ लग्न या कुंभ राशि की अब हम बात करते हैं, कैसे पता करेंगे आपका लग्न कुंभ है। सबसे पहले आप आपकी जन्म कुंडली ओपन कीजिए, उसमें पहला भाव जो आप देखेंगे लग्न या ल लिखा है वहां पर। वहां पर अगर 11 नंबर लिखा है तो आपका लग्न होगा कुंभ। कुंभ लग्न की लग्न कुंडली के अनुसार चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है वो 5वें भाव से 8वें भाव तक हो रहा है। नेगेटिव की अगर हम बात करें तो रोग में वृद्धि हो सकती है। पहले से कोई रोग चल रहा है तो अभी से सतर्क हो जाएं, रोग में वृद्धि हो सकती है। मौसमी बीमारियां जैसे वायरल फीवर सर्दी जुकाम में आपको हो सकता है क्योंकि चंद्रमा आपके रोग भाव में ही जा रहे हैं। स्वराशि हालांकि ज़्यादा परेशानी करेंगे नहीं लेकिन फिर भी सतर्क रहना है। ठंडी चीज़ों से आप थोड़ा सा बचकर रहिए। पति या पत्नी को वाहन से चोट लग सकती है, जीवन साथी को वाहन से चोट लग सकती है, तो थोड़ा सा वाहन उनको कहिए कि संभल कर चलाएं। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो विदेश में जो सेटल होना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप परमानेंटली वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं या विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। धन वृद्धि आपकी होगी इस सप्ताह में और कार्य क्षेत्र में आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। सब अब आते हैं सबसे आखिरी लग्न या आखिरी राशि यानी कि मीन लग्न या मीन राशि। कैसे पता करेंगे आपका लग्न मीन है। सबसे पहले आप आपकी जन्म कुंडली ओपन कीजिए, वहां पर लग्न या ल लिखा होगा। अगर वहां पर 12 नंबर लिखा है तो आपका लग्न होगा मीन। मीन लग्न या मीन राशि के जो राशि कुंडली उसके अनुसार चंद्रमा का गोचर हो रहा है 4थे भाव से 7वें भाव तक। तो देखिए सबसे पहले आपको कमर से नीचे के भाग में परेशानी हो सकती है, यूरिनल इन्फेक्शन हो सकता है, थोड़ा सा बचकर रहिएगा। स्त्री से आपको कष्ट हो सकता है, अगर आप पुरुष हैं तो अपोजिट जेंडर वालों से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, संभल कर चलिएगा इस पूरे सप्ताह में।
स्त्री पर आपको खर्च करना पड़े, या जैसे आप पति हैं तो पत्नी पर, बहन पर, बेटी पर आपको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ सकता है सप्ताह में। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो यात्रा अगर आप इस सप्ताह में करते हैं तो आपको लाभ होगा। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में तरक्की होने के योग बने हुए हैं। उच्च शिक्षा से जो लोग जुड़े हुए हैं, हायर एजुकेशन, तो उनको वहाँ पर सफलता मिल सकती है। और पढ़ाई में भी जो विद्यार्थी वर्ग है उनको भी पढ़ाई में सप्ताह अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग अगर आपके चल रहे हैं तो उसमें आपका जो बॉन्ड है वो और मजबूत होगा। तो ये था पूरे 12 राशि या 12 लग्नों का राशिफल। 19 से 25 सितंबर का मेष लग्न या मेष राशि से मीन लग्न या मीन राशि तक का। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसको अपने फेसबुक पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो के लिंक को शेयर करें और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर सेंड करें। फिर से एक बार मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।